वो आत्माएं बहुत ही पुण्य कर्मी प्राणी हैं जो इस सत्संग के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, जो इसमें पहुंच जाती हैं, भाग लेती हैं। बहुत ही पुण्य कर्मों से जन्म जन्म जन्मांतर के अच्छे शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप इस प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके बहुत ही पुण्य कर्मी और प्राणी जो होते हैं, मानव शरीर में भी जो अत्यधिक पुण्य कर्मी प्राणी होते हैं, शुभ संस्कारी होते हैं, उनको सत्संग प्राप्त होता है। वर्तमान के अंदर श्रोताओं की कमी नहीं, वक्ताओं की कमी नहीं, संतों गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। उधर से श्रद्धालु भी बहुत ही श्रद्धा के साथ परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से सत्संग श्रवण करने के लिए अन्य संतों के पास जाते हैं। उन अन्य संतों के पास सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य, जहां पर सत्य ज्ञान प्रचार होता हो। सत्य ज्ञान कौन सा है? जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र कबीर देव, कबीर साहब, उस सचिदानंद घन ब्रह्म की अमृतवाणी अर्थात पांचवा वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल और पवित्र 18 पुराण, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये हमारे सदग्रंथ हैं। ये हमारे सिलेबस है, ये हमारा पाठ्यक्रम है उन पुण्यात्माओं का जो परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, जो स्टूडेंट हैं, श्रद्धालु हैं, डिओटी हैं। और जो टीचर सिलेबस से बाहर की बातें, बाहर का ज्ञान, बाहर की थ्योरी, सिद्धांत, मनमुखी कहानियां जो विद्यार्थियों को सुनाते और समझाते हैं, वो टीचर ठीक नहीं। वो विद्यार्थियों के भविष्य के नाशक हैं, वो गुरु पद के अधिकारी नहीं हैं। इसी प्रकार जो संत जो गुरु पद प्राप्त करके और शास्त्रों के विपरीत ज्ञान देते हैं, सदग्रंथों से विरुद्ध ज्ञान देते हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं सदग्रंथ हमें क्या बताते हैं, वो संत ठीक नहीं, वो गुरु नहीं है, वो दुश्मन है इस मनुष्य जीवन के, शत्रु है इस अनमोल जीवन के, वो कीड़े हैं। जैसे फसल को कीड़ा खा जाता है, उसको नष्ट कर देता है, वो ऐसे गुरु हैं, ऐसे संत हैं जैसे अमर बेल होती है। आपने अमर बेल देखी होगी, वह कैसी होती है? एक पीले से कलर की बेल होती है जो वृक्षों के ऊपर होती है, और उस बेल के अपने बहुत कम पत्ते होते हैं। वो वैसे पतली सी होती है जैसे धागा सा होता है, जैसे ये सूत होता है, ये राजमिस्त्री प्रयोग करते हैं, इतने मोटा होता है। और वो पीली सी बेल पूरे पेड़ के टहनियों के, छोटी छोटी शाखाओं के और डार के लिपट जाती है, उसके चारों तरफ लपेटे लगा लेती है। वो ऐसी लगती है जैसे ये बहुत ही प्यार करती है इनसे, वृक्ष से, और वो उसके सारे आहार को चूस रही होती है, नष्ट कर रही होती है, और वो वृक्ष सूख जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये संत जो नकली गुरु, नकली संत, नकली महर्षि हैं, इनकी बोलने की शैली, इनके जो है व्यवहार,
से ऐसा लगता है जैसे बहुत ही अच्छी आत्मा है और इनका उद्देश्य बहुत ही परोपकार का है, लेकिन वो उन शिष्यों के ऊपर, अपने अनुयायियों के ऊपर वह अमर बेल की तरह लिपटा हुआ है, उनके जीवन को नष्ट कर रहा है। ईसा मसीह जी ने कहा था कि जिन गुरुओं को तुम अच्छे मानते हो और जिनके पास तुम जाकर के अपना कल्याण चाहते हो और उनको ज्ञान है नहीं, तत्व ज्ञान उनके पास नहीं है, वो सत्य से परिचित नहीं है, वो तुम्हें बहुत अच्छे अवश्य लगते हैं, क्योंकि आपको चाह है भगवान की, आपको तलाश है संत की, और आप सोच बैठे हो कि हमें सतगुरु मिल, हमें संत मिल गए हैं, और वो आपको बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, आपके से विनम्र भाव से प्यार से बातें भी करते हैं तुम्हारे गुरु जी, वो तुम्हें, वो ऐसे हैं जैसे तुम्हें वो भेड़ दिखाई देते हैं, यानी बहुत शरीफ, बहुत ही अच्छी, लेकिन वो भेड़िए हैं जो तुम्हारे जीवन को खा रहे हैं। ऐसा ही जानो, वर्तमान के जितने भी संत हैं ये आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि आप स्वयं अच्छे हो, आपके अंदर दोष नहीं है, तो आपको सामने वाला संत भी अच्छा ही नजर आता है, और आपको अध्यात्म ज्ञान है नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं लग रहा कि ये संत गलत बोल रहा है, क्योंकि आप श्रद्धालु हैं, आप डीओटी हैं, और स्टूडेंट अध्यापक की किसी भी थ्योरी में, किसी भी उसके ज्ञान में, उसकी कथा में, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी कोई शंका व्यक्त नहीं करते, क्योंकि विद्यार्थी यही सोचकर बैठे रहते हैं कि जो टीचर बता रहा है ये सत्य है, उसको लिख लेते हैं, उसको रिमेम्बर कर लेते हैं, घोट लेते हैं, ये स्वभाव होता है और होना भी चाहिए, लेकिन ये वर्तमान के संत और गुरु ये पूर्ण रूपेण सदग्रंथों से अपरिचित हैं, ये सिलेबस ना समझा करके दंत कथा आपको सुना रहे हैं, इसलिए उनके पास सत्संग नहीं है, वो कहते सत्संग ही हैं और बोर्ड भी सत्संग का ही लगाते हैं, सत्संग सथल वो लिखते हैं और सतगुरु अपने उपाधि भी लिखते हैं, लेकिन वो ना सतगुरु हैं न ही उनके पास वो सत्संग है। इसलिए ये दास आपको ये समझाना चाहता है कि सत्संग और सतगुरु के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता।